अगर आप यहाँ ये वीडियो देख रहे हो तो उसका सिर्फ एक ही कारण है कि आपने क्या देखा, आपने देखा कि इंडिया के मैप को कैसे याद किया जाए। सबसे आसान तरीका ढूंढ रहे हो, सबसे आसान कौन सा हो सकता है जो दो मिनट में याद हो जाए। और ये मेरा चैलेंज है भाई कि एक ही बार में याद होगा, यकीन ना आए ट्राई करके देख लो। मैं जानता हूँ यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जो ऐसा बोलती हैं पर ऐसा कर नहीं पाती, लेकिन आपको याद हो कि इससे पहले भी मैंने पिछले साल एक ऐसी वीडियो बनाई थी, इससे अलग थी, वो तरीका दूसरा था और तब भी एक नया तरीका निकाला था, और इस साल भी आज एक अपनी जिंदगी का मैंने सबसे आसान तरीका निकाला है। बहुत टाइम लगता है ऐसा तरीका सोचने में। जो आप तैयारी करते हो, चाहे आप सीटेट की तैयारी करो, चाहे आप केबीएस की करो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, डी ट्रिपल एस भी, कुछ भी करो आप, अगर आपके जो एग्जाम है उसमें मैप पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आपको भारत का नक्शा याद करना पड़ेगा। और ये मैं गारंटी देता हूं, सबसे बड़ी बात, आपका समय खराब नहीं होगा। क्वेश्चन सामने आया है, अगर आपको नहीं भी याद आ रहा कि ये स्टेट कौन से स्टेट के पास है, अभी याद करने का तरीका मैं बताऊंगा। सिर्फ और सिर्फ एक मिनट में पूरा नक्शा बना के तैयार कर दोगे आप, एक मिनट भी पूरी नहीं लगने वाली है, ध्यान से देखना। अच्छा, अब ये भाई सबसे आसान तरीका है, गारंटी मेरी है। मेरा नाम है अजय सोलंकी और मैं शिक्षा सागर पर आपका स्वागत करता हूं। अब शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखना बड़े ही ध्यान से, ये दो मिनट सबसे कीमती, सबसे अहम होने वाले हैं आपके लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम में इसको ट्राई करना। सबसे पहली बात कि अगर आपकी ड्राइंग ठीक ठाक है या मेरी जैसी खराब है तो भी आप अपने इंडिया का मैप तो बड़ी आसानी से बना सकते हो। आगे तरीका बताऊंगा कि इंडिया का मैप बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तरीका समझना। आपको क्या करना है, आपको करना यह है एक पैटर्न याद करना है। क्या पैटर्न याद करना है, ये देखो मैंने क्या किया, दो दो तीन चार, दो दो तीन चार, सिर्फ ये पैटर्न आपको याद रखना है। अब इस पैटर्न की जरूरत क्या है सुनो, एक सीधी सी लाइन खींच लो ऊपर से लेके नीचे तक, एक सीधी लाइन हमने डाल दी, ठीक है। अब इस लाइन को हमें इस पैटर्न में डिवाइड करना है। क्या डिवाइड किया, दो बन गए, दो बन गए। अब राइट साइड में एक और लाइन डाल दो, तीन बन गए। अब दोनों तरफ एक एक लाइन डाल दो, एक दो तीन चार, चार बन गए। अब फिर से किस पे जाना है, तीन पे जाना है, एक लाइन डाल दो राइट की तरफ, फिर से कह रहा हूं तीन बन गए, ऊपर फिर से एक लाइन डाल दो दो, और फिर से एक लाइन डाल दो दो। ये अपना इंडिया का जो स्ट्रक्चर है भाई, ये तैयार हो चुका स्टेट का। अब एक भी स्टेट आपका इधर उधर नहीं जानेगा। अब नाम लिख देते हैं, ये क्या है भाई, ये है अपना केरल, ठीक है। ये क्या है, ये है अपना तमिलनाडु, तमिलनाडु। ये क्या है, ये है अपना कर्नाटक, ठीक है। ये क्या है भाई, ये है हमारा आंध्र प्रदेश। ये क्या है, महाराष्ट्र। ये क्या है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ये क्या है, ये है भाई हमारा उड़ीसा। ये मध्य प्रदेश। ये क्या है, गुजरात। ये झारखंड। ये वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। ये क्या है भाई, बिहार। ये उत्तर प्रदेश। ये क्या है हमारा, राजस्थान। ये क्या है, हरियाणा। ये हमने लाइन डालनी रह गई थी, हरियाणा। ये क्या है, उत्तराखंड। ये क्या है भाई, हिमाचल। ये पंजाब। अब इसमें क्या हुआ भाई, थोड़ा सा चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है, आप एक पोर्शन इसका मान लो कि जम्मू कश्मीर हो गया है और एक मान लो लद्दाख हो गया है,
डिवीजन इसके कुछ इस तरीके से है, पर याद करने के लिए आप स्टार्टिंग से लाइन डाल सकते हो। अब उसके बाद क्या बचा, कुछ लोग कहेंगे दिल्ली बचा, दिल्ली स्टेट नहीं है, ठीक है। और सुनो, एक बचा गोवा, तो गोवा को इस कॉर्नर में मान लो गोवा। एक और कुछ बचा था, क्या बचा था अपना, या बस यही सब था? हाँ जी, बस यही सब था। हाँ, एक तेलंगाना था। तेलंगाना अभी अभी आंध्र प्रदेश से बना है, तो क्या करेंगे, इसी में एक अलग से क्या कर देंगे, लाइन डाल देंगे और इसमें लिख देंगे हम तेलंगाना, ठीक है। ये अपना पूरा बन गया इंडिया का मैप। अब इस तरफ क्या स्टेट है क्या नहीं है, उनकी सिर्फ एक लिस्ट बना दी है। इसके अलावा ये याद नहीं करना कौन सा स्टेट कहाँ पे है, क्योंकि अपने क्वेश्चन किस पे बेस्ड होते हैं, डायरेक्शन पे बेस्ड। तो या तो इस स्टेट से इस स्टेट की डायरेक्शन पूछेगा, इनमें से कोई भी नाम हो उसे एक ही जगह मानो, या फिर इस जगह से उस जगह की पूछेगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कैसे भी करके कुछ पूछेगा सवाल आपसे, तो ऐसे ही आपको आंसर देना है। रिपीट कर देता हूं भाई मैं आपको ये ट्रिक, वापस से देखो, थोड़ा सा इरेज करके। अब मैं ये बता देता हूं कि अगर आपके सामने मैप नहीं है तो भी आप इसको कैसे बना सकते हो। मैं ये लिस्ट मिटा रहा हूं भाई, आप बाद में देख लेना कि मैंने यहां क्या लिखा था। आपको वापस से मैं बना के दिखाता हूं कि कितना जल्दी बन सकता है ये। एक हमने क्या किया, लाइन डाल दी सीधी, ठीक है। ऊपर से क्या किया हमने, दो दो, और फिर क्या करना है, तीन। देखो ये आ गया दो दो, और यहां क्या करना है, तीन करना है। राइट साइड में, हमेशा राइट साइड में करो। उसके बाद क्या करना है, चार, दोनों तरफ एक एक कर दो, एक दो तीन चार। फिर क्या करना है, तीन, एक दो तीन। फिर उसके बाद क्या करना है, दो, एक दो, एक दो। बस सिंपल बन गया इंडिया का मैप। वापस से बेशक ट्राई कर लो। यहां क्या आएगा, केरल तमिलनाडु, यहां क्या आएगा, कर्नाटक आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के साथ ही आप तेलंगाना भी लिख लो क्योंकि इसी में से निकल के बना है। कर्नाटक के साथ ही आप क्या लिख सकते हो भाई, कर्नाटक के साथ ही आप लिख सकते हो गोवा आपका। उसके बाद भाई यहां पर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहां क्या आ जाएगा, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहां क्या आ जाएगा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहां क्या आ जाएगा, हरियाणा, उत्तराखंड, यहां क्या आ जाएगा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, और ऊपर अपना क्या बच जाएगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। और इस तरफ ये सारे के सारे जो मैंने आठ स्टेट लिखे थे, ये आठों स्टेट आप यहां लिख सकते हो। बन गया इंडिया का मैप। क्या था इसमें बताओ, इससे आसान ट्रिक अगर आपने जिंदगी में कभी किसी भी चैनल पर किसी के भी थ्रू अगर देखी है तो बताओ मुझे। लेकिन याद रखना, जो तरीका बताया गया है, जैसे बताया गया है, सेम ट्राई करना है। फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, क्या करना है आपको, एक सीधी लाइन बनानी है, ऊपर से लेके नीचे तक एक सीधी लाइन बनानी है। कैसे डिवाइड करोगे, दो दो तीन चार, दो दो तीन चार, इस तरीके से आपको ऊपर नीचे सेम रखना है। लिख भी देता हूं, दो दो तीन चार और तीन दो दो। अब नीचे से पढ़ो चाहे ऊपर से पढ़ो, क्या पढ़ने में आएगा, दो दो तीन चार। इस तरीके से आपको स्टेट्स को डिवाइड करना है। बहुत आसान तरीका है, इससे आसान मुझे नहीं लगता कि कुछ भी होगा या आपने कभी देखा होगा। सिर्फ एक बार देखना है और सारी की सारी चीजें आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगी। तो ये था भाई मेरे तरफ से आपको एक वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो क्या करना है, हमारे चैनल का नाम है भाई शिक्षा सागर। क्या नाम है, शिक्षा सागर। ये एप्लीकेशन है हमारी, एप्लीकेशन है एंड्रॉयड एप्लीकेशन। यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन को। उस पर बहुत ही कम प्राइस में, बहुत कम प्राइस में सब्सक्रिप्शन होते हैं, और इस टाइप की अनगिनत ट्रिक्स की वीडियो आपको वहां मिल जाएंगी। और जो भी कंटेंट मिलेगा वो व्यर्थ नहीं मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ काम का मिलेगा। व्यर्थ में और वर्थ में बहुत फर्क होता है। व्यर्थ हिंदी का शब्द है, वर्थ इंग्लिश का शब्द है। जो इंग्लिश का शब्द है भाई वो हम पे लागू होता है, वर्थ का मतलब होता है बिल्कुल काम का। तो ये सारा कंटेंट बिल्कुल काम का है, एप्लीकेशन पे भी आपको बहुत ही काम की चीजें मिलेंगी। डाउनलोड करो इसे, इस्तेमाल करो, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, और लाइक करने के बाद आपको अपने दोस्तों को जरूर बतानी है ये वीडियो। अगर ये वीडियो भी ना फैलाई, अगर ये वीडियो भी किसी को ना सजेस्ट की, तो फिर क्या सहायता की आपने किसी की। अच्छे इंसान बनो, अच्छी चीजों को ज्यादा
ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ठीक है। यही मेरी आप लोगों से भाई रिक्वेस्ट है, और मिलेंगे फिर से किसी दूसरी ट्रिक की वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, मैं ऐसे ही नई नई चीजें निकालता रहूंगा और आपको बताता रहूंगा।